अभी कुछ आया इनके पास यार, ये कुछ बेचते ही नहीं है, इतना टाइम हो गया इनके पास। शार्पनेस 3 लेके बैठा हो, लूटिंग 3। ओ ये तो मेरा ही बंदा है, सिल टच वाला भी मेरा ही है, पर ये कुछ लेके क्यों नहीं आते? कुछ ढंग का भी लेके आ जाए करो यार। मेंडिंग वेंडिंग चाहिए अभी मुझे, क्योंकि मेरे सूट ख़राब होना शुरू हो गया है, और अभी तक मैंने इससे ये भी नहीं ली प्रोटेक्शन 4। आज मेरे को जुगाड़ करना है कैसे भी करके कि इनका कुछ करूं। और एक मिनट, बीज मेरे पास है, मैं सोच रहा इसको भी बड़ा करूं। एक काम करते हैं, पहले यही करते हैं। और मैंने एक और काम किया है, ये देखो मैंने गेट को और सुधारा, अभी और अच्छा लग रहा है। ये ब्लैक स्टोन लगा दी, और नीचे ये चीज़, और मेरा चेस्ट कितना भर गया भाई। फ्री के मिल रहे हैं मेरे को आयरन, और इन्हीं से वापस से गोलम बनाऊंगा मैं। अरे कूदना नहीं होता भाई, बस ऐसे करना है, क्योंकि ये बिना पानी का खेत है। इधर कितना बड़ा खेत बना रखा मैंने। ओ अरे, ये इसी वजह से ख़राब होता है खेत, बहुत सारे बीज हो गए वैसे मेरे पास। इन साइड में रखो, बाद में बड़ा करूंगा इनको। मेरा किसान किधर है? ओ किसान, कुछ है तेरे पास? बस इतना ही? अरे यार ये कचरा किसान, और कुछ ढंग का ले भी नहीं रखा है। अगर मैं पम्पकिन बोऊंगा, मतलब उगाऊंगा, तो यार ये पम्पकिन के बदले भी देगा। चलो बाद में देखेंगे। क्या हो गया यार मेरी चाल को, भूख लग रही है भाई। तो पिछली बार मुझे यहाँ पे एक वो मिल रहा था, मैंने 30 लेवल तो कर दिए है, और बताऊंगा भी कैसे करे है। तो यहाँ पे मेरे को शार्पनेस 4 मिल रहा था, 5 चाहिए मुझे शार्पनेस। तो 5 आने का नाम नहीं ले रहा है, तो मैं 4 ही ले लूँगा। क्या कुछ जा थोड़ी ना रहा है। ये देखो लूटिंग 3 अनब्रेकिंग 3 के साथ ये तगड़ी तलवार बन गई भाई। अभी इतनी तगड़ी बननी थी मेरे। इन्फिनिटी, मेरे पास इन्फिनिटी नहीं है ना अभी तक। एक मिनट, एक इन्फिनिटी ले लूँ। प्रोटेक्शन 4 भी आ गई अभी, तो मैं सोच रहा प्रोटेक्शन 4 ही कर लूँ, बस थोड़े से लेवल चाहिए ना। और हाँ, मैंने पिछली बार बोला था कि मैं लेवल के हिसाब से खेलने वाला हूँ, ये तो मैं भूल गया। तो लेवल के हिसाब से मुझे एक हनी ब्लॉक बनाना पड़ेगा। एक मिनट, हनी ब्लॉक पे कूदना पड़ेगा। और क्या करना है? ये क्या है? डिस्कवर एवरी बायोम। तो लेवल के हिसाब से मुझे अपना एक बी का फार्म बनाना पड़ेगा आज। ठीक है यार, बी का फार्म बनाएंगे और फिर हनी पे कूदेंगे, यही काम रह गया मेरे पास। और नहीं, अभी देखो ये है मेरा फार्म, जो कि मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया। अभी देखो हो क्या रहा है कि यहाँ से ऊपर से सीधा कूद रहे हैं, जो कि मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से ऊपर से कूद के आएंगे और वो सीधा गिरेंगे यहाँ। मेरे को वेट करना पड़ेगा क्या? इसमें यही तो दिक्कत है ना। और एक चीज़ और, मैंने जो दो वो स्पॉनर थे स्पाइडर के, वो मेरे को तोड़ने पड़े, सिर्फ इसको स्केलेटन फार्म बनाना पड़ा। और अभी शायद से वो आएंगे नहीं, मैं बाहर एक एंडरमैन भी छोड़ के आया हूँ इसी चक्कर में। ये फार्म बेकार है, कोई मेरे को दूसरा एक्सपी फार्म देखना पड़ेगा, ये कचरा एक्सपी फार्म है। इससे अच्छा मैं एंडरमैन को मारता, लूटिंग 3 है मेरे पास। एंडरमैन भाग गया, वो रहा एंडरमैन ऊपर। आ जा भाई एंडरमैन, आ रहा है ना, आ जा अभी। अरे ये भाई ठीक है, किधर है? अरे ठीक ठीक है, मर जाता। एक ग्रास ब्लॉक भी दिया है और 3 एंडर पर्ल दे दिए। वैसे मैं घूम रहा था, मेरे को लेविल चाहिए थे। एक बार और जाके देखूँ क्या फार्म में काम कर रहा हो, शायद रात हो गई ना इसलिए। ऊपर चलते अभी, देखे तो सही क्या चल रहा है। देखो इतना मैंने कर रखा है जुगाड़, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये रहा यहाँ पर स्पॉनर, जो काम नहीं कर रहा भाई, अलग ही दिक्कत होती है। अब करेगा काम ये? हाँ आया आया, निकल ले चल। ओह काम करना शुरू हो गया। मैंने इसको इस तरीके से बनाया कि इसमें से थोड़ा सा डैमेज हो, जो कि नहीं हो रहा। थोड़ा और नीचे जाना था पर बेड रॉक आ गया भाई, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता मैं। पर अब फिर से रुक गया ये। ओ यही तो दिक्कत है इसकी भाई, क्या करूँ मैं, काम ठीक से नहीं कर रहा है। जाने देते हैं इसको, ये बेकार फार्म है। थोड़े से गन्ने भी बेच दूँ यार, स्पेस ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या दे रहा है ये? शार्पनेस 3 कचरा चीज, इससे कर रहे हैं मेरे को डील, क्योंकि इसको मैं बहुत आगे लेवल तक लेके जाऊंगा। बस थोड़े थोड़े ये बेचो, हो गया काम। पर अभी भी दिक्कत यही है कि मेरे लेवल अभी तक नहीं हुए यार, 28 लेवल हुए, 30 लेवल नहीं हुए। तो एक काम करते हैं, अपना बाकी का काम कर लेते हैं, और कोई चारा नहीं है मुझे, अभी वो बनाना पड़ेगा। ओ हाँ, मैंने पोशन भी बनाई थी, मेरे को याद है पिछली बार। पर आज मेरे को पोशन की जरूरत नहीं, बल्कि मेरे को अपने टास्क करने हैं, और टास्क के लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक कैंप फायर, और अब मेरे को एक मधुमक्खी का छत्ता ढूंढना है। तो मधुमक्खी मैंने एक तो यहाँ पे देखी थी अपने इस तरफ, और जिस तरफ मेरा एक्सपी फार्म है वहाँ पर भी मधुमक्खियाँ देखी थी मैंने, लेकिन देखा किधर, तो वहाँ देखा था मैंने दूर। और पम्पकिन भी मिल गए मेरे को, पम्पकिन भी चुग लो भाई, बहुत काम की चीज़ होती है। अभी ये देखना, ये रहा छत्ता एक, इसमें मधुमक्खियाँ है, शहद भी है। तो एक काम करते हैं, नीचे ये लगाते हैं, अभी निकालते हैं इसमें से। बस हो गया, अभी मैं इसमें से शहद भी निकालूँ है ना, तो कोई मेरे को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने नीचे कैंप फायर लगाया हुआ है। रेत का जुगाड़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्लास बनाने पड़ेंगे, तभी मैं इसका घर बनाऊँगा मस्त सा मधुमक्खी का। तो फार्म मैं बनाऊँगा यहाँ पर, ये जगह मेरे को ठीक लग रही है। सोच रहा मैं इसी के साथ कनेक्ट कर दूँ, लेकिन कनेक्ट कर दूँगा तो
फिर मेरे को फूल वहाँ पे लगाने पड़ेंगे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पीछे का हिस्सा कर ही देते हैं, करना तो है ही। यहाँ से 1 2 3 4 5 इतना ठीक रहेगा ये ना? और ऊँचा करना पड़ेगा, 2 ब्लॉक और इधर से भी हटानी पड़ेगी। ये कुछ कचरा है क्या मेरे पास यार? अंडे क्या कर रहे हैं? देखो मैं इस तरीके से फार्म बनाने वाला हूँ। यहाँ पे तो होगी मधुमक्खियाँ और वो जाएगी यहाँ से, और यहाँ से अपने फूल वूल लगा दूंगा ताकि इसमें से को वो ले सके फूल। तो यहाँ से 1 2 3, वहाँ से मैंने 5 किया हुआ है, यहाँ से 5 करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 बस। वो ग्लास ख़राब जाएगा अगर मेरे पास सेल टच नहीं हुई तो। सेल टच है मेरे पास, है। सेल टच होना बहुत ज़रूरी होता है भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। चलो इतना ग्लास का सही लग रहा है। और छत बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे स्प्रूस वुड, यूज़ कर लेता हूँ, ये अच्छी लगेगी। पर ये इतने में आएगी नहीं, देखा जाएगा। इधर से ही मेरे को लेके जाने थी ऐसे करके, 3 यहाँ से, 1 2 3 पास। ओह क्या सही बनाया मैंने, बनाना इधर चाहिए था, बना उधर दिया, सही है भाई। ये यहाँ से ऊपर लगा दूँ ऐसे, ये थोड़ा अच्छा लगेगा। ये स्लैब मुझे थोड़े ऐसे करके लगाने थे यहाँ। कितना सही लग रहा है हमारा फार्म, बस इसमें ऊपर छत नहीं है। किसी ना किसी चीज़ से तो बनानी है ही, पहले सो लूँ थोड़ा। अभी क्या छत इससे बना दूँ क्या थोड़ी? हाँ सही लग रही है, कोई बुरी नहीं है, ठीक है भाई, सही लग रही है बिल्कुल। देखो इतने छोटे से खेत में काम करेगा, मैं चाहूँ तो इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, कर दूंगा बड़ा, कोई बड़ी चीज नहीं है। और एक आइडिया है मेरे पास लेवल इकट्ठे करने का, कोई तो होगा लड़ने के लिए, अरे बहुत सारे है, यही मेरे को एक्सपी लेवल दे देंगे बहुत सारा। अरे मर जा भाई, इन्हीं से लेवल मिल रहे हैं मुझे। ओके भाई लेवल पूरे 30, अभी शहद बना इसमें, अभी भी नहीं बना यार। कोई नहीं, एक मिनट, पहले थोड़ा मेरे को दूध पीना पड़ेगा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ इतना जो मैं लेके चलूँगा कर्स जो भी है। ओ यहाँ पे मेरे को मधुमक्खी दिखी, ओ छत्ता है, अरे ले ना, अरे भाई भाई काट ही लिया उसने। रेसिपी शायद से अभी भी नहीं आई होगी यार, एक तो ये दिक्कत करती है ना। अरे हाँ आ तो गई, वही यही तो चाहिए मुझे, 2 ही बन पाए, कोई नहीं, 2 भी अच्छी चीज़ है। तो इनको मैं इस तरीके से लगाऊंगा कि ये थोड़ा उड़े, मतलब कि एक ऐसे और एक ऐसे, यार स्पेस ही ख़त्म हो गया। मेरे को ऐसे ऐसे करके लगाना पड़ेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे ऐसे। अब बस थोड़े फ्लावर चाहिए होंगे, और ये फ्लावर जाएंगे यहाँ पे, बाकी और भी तो है, ये यहाँ पे। इनसे ना मधुमक्खी आती रहेगी, इधर ऐसे जाएगी उड़ के मधुमक्खी, और मेरी फसल को बड़ा करेगी, जो कि बहुत कम फसल है, और मेरे पास हो ही भी नहीं है कि मैं बड़ी कर सकूँ। यहाँ तक ले आऊँगा मैं इस फसल को, इस खम्भे तक, और फिर बस ये काम करना शुरू कर देगा। अब बस सो के मुझे मधुमक्खी लानी है कहीं से भी। चलो एक मधुमक्खी तो मैंने वहीं देखी थी पीछे, और एक मधुमक्खी यहाँ पे भी देखी थी मैंने कहीं उड़ती हुई। यहाँ छत्ता है मधुमक्खी का, जल्दी से बाहर निकलो यार। ना वो दो दो छत्ते हैं यहाँ पर, हाँ निकली, एक मिनट, मधुमक्खी आ गई, एक एक और आ जाए तो अच्छी बात है, 2 को एक साथ ही लेके जाऊँगा। एक यहाँ पर भी छत्ता है, चलो मिल गई, 2 मधुमक्खी मिल गई, हो गया काम। आ जाओ मेरे पीछे पीछे, रस्सी भी नहीं है मेरे पास, रस्सी में बांध के ले जाता हूँ मैं। और एक मधुमक्खी वहाँ पर भी दिखी मुझे, वो भी मेरे साथ ही आ जाए तो अच्छा ही है, 3 हो जाएगी। अरे भटकना नहीं, भटकना नहीं भाई, आ इधर इधर, आ रही है ना, अंदर आ जाओ, और अंदर, काम हो गया, बंद करो इसे। 2 मधुमक्खी पकड़ ली हमने, और एक काम करते हैं, गेट वेट लगा दूँ इसमें, एक तो होएगा यहाँ पे ऐसे करके ताकि मैं ऐसे जा सकूँ, और एक इस तरफ जो नहीं होएगा भाई। और एक काम करते हैं, इनको थोड़ा ये खिलाते हैं, खाओ भाई, अरे ये खाओ ना। ओ भाई ये अंदर घुस गई, ऐसे मेरा मधुमक्खी का टास्क, अच्छा शहद लूँगा तभी होगा। और ये कौन सा है? द पैरट एंड द बैट्स ब्रीड 2 एनिमल, ठीक है, ये मैंने टास्क कभी किया ही नहीं, मैं कर क्या रहा हूँ फिर। और ये क्या है, मूव ए बी नेस्ट विथ 3 बी इनसाइड यूजिंग सिल टच। अगर मैं उस छत्ते को सिल टच से तोड़ लूँ, हेरा इसमें मधुमक्खी है और नहीं है, इसको अंदर जाने देते हैं फिर तोड़ूंगा। चल मधुमक्खी घुस गई, तोड़ो इसे, हाँ सही है। पर मेरा टास्क हुआ नहीं क्योंकि इसमें कम से कम 3 मधुमक्खी चाहिए, ये भी टास्क कर दूंगा मैं, बहुत आसान है। ओके इसको लगाते हैं, मेरे को इसी के साथ लगाना पड़ेगा ऐसे करके, मधुमक्खी निकली, थोड़ा इनका खिला दूँ, चलो भाई खाओ, अरे यार कहाँ गए दूसरे, खाओ खाओ, बहुत सही, मेरे ख्याल से इनसे टास्क होएगा मेरा, हो गया काम, हो गया भाई, मधुमक्खी पाल ली मैंने। पहले अपना लेवल का काम कर लूँ, ये मैं बहुत देर से लेके घूम रहा हूँ। प्रोटेक्शन 4 चाहिए, और इनमें कुछ आ रहा है भी, प्रोटेक्शन 3 आया है, नहीं चाहिए भाई इसमें,
प्रोजेक्टाइल अनब्रेकिंग थ्री है क्या? अनब्रेकिंग थ्री है, चलो इसमें से निकालते हैं शायद, उसको तोड़ के देखता हूँ क्या पता। नहीं अभी नहीं तोड़ रहा, पहले ये लगा दूँ। टास्क तो मेरा हो ही जाएगा, अभी हो गया टास्क, कोई काटना नहीं, किसी को पता ही नहीं है। अगर मैं इस पे से मारूंगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और अगर मैं नीचे कॉन्डूट लगा दूँ तो ये भर नहीं जाएगा भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा शहर टपक रहा नीचे। अगर ऐसे टपकते टपकते भर जाए तो कितना बढ़िया रहेगा भाई। देखते हैं ये भरेगा भी या नहीं, या ऐसे ही, ये तो ऊपर ही गिर रहा है, कहाँ से भर जाएगा? लगता तो नहीं है मुझे, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, पर भरेगा नहीं भरेगा नहीं पता भाई। कोशिश करते हैं शायद भर जाए। एक मिनट, टास्क देखते हैं। शहद का टास्क हो गया, सारा हो गया। ये कौन सा है? अच्छा ये तोड़नी है मुझे। और ये क्या है? एक फ़िश पकड़नी है मेरे को, कर देंगे। और ये क्या है? ऑल कैट वेरिएंट, अच्छा ठीक है, सभी तरह की कैट पकड़नी पड़ेगी। ये ब्रीड ऑल एनिमल को कोई नहीं, कर देंगे। अपना पहले फ़िश पकड़ते हैं। मोबाइल में होल्ड करना पड़ता है, पर इसमें होल्ड नहीं करना होता। अरे अरे भागना नहीं, पकड़ ली, हो गया काम भाई। सबसे मुश्किल पता क्या है? कि बिल्लियाँ पकड़ना, हर तरह की बिल्लियाँ। बिल्लियाँ आती रहेगी, पर मेरे को चाहिए फ़िश। ऐसे जितनी फ़िश थी मैं पका के खा गया। तुम बे कोई ले गए, थ्रोन 3 लेके आया, लक ऑफ द सी 3 नहीं चाहिए, एक्वा की बुक नहीं चाहिए, मेंडिंग। ओ भाई मेंडिंग वाला बंदा आ गया हमारे पास, पेजेस बेचने पड़ेंगे। सिल टच भी आ गया, सही है, सिल टच की ज़रूरत नहीं। शार्पनेस 3 वही कचरा, अभी गन्ने पूरे बड़े भी नहीं हुए। ये रहा वो बंदा मेंडिंग वाला, इसे डायरेक्ट मेंडिंग ही ले लूँ मैं, सही रहेगा, है ना। पेजेस बेचो, और पेजेस नहीं बेच सकता मेंडिंग वाले बंदे। अरे अभी भी नहीं, 24 चाहिए यार। और अभी के अभी मेंडिंग लगाऊंगा, सबसे पहले मैं अपनी तलवार पे, 2 कोस्ट में लग रही है, देख रहे हो, तगड़ी तलवार बन गई अब। और एक मेंडिंग मेरे को अपने सर पे भी लगानी है, यहाँ थोड़े बेचने पड़ेंगे फिर सामान। चलो जुगाड़ करते हैं, फार्मर थोड़े से मेरे को दे, बस हो गए 24। मेंडिंग वाला बंदा कौन सा है? तू ही है ना? ना ये तो नहीं है, थ्रोन्स है। और ये खाली क्यों बैठा हुआ है भाई, कुछ कर ले। सेल टच, ये कचरा। ओ हाँ मैं स्टिक भी तो बेच सक, ये रहा मेंडिंग वाला, एक मेंडिंग और। हेलमेट में भी मेंडिंग आएगी, बहुत सही। वेट करना पड़ेगा कि, ओ मैंने गेट कैसे छोड़ दिया खुला। बस हो गया काम, 4 शायद बोतल, और इससे बनेगा एक हनी ब्लॉक, हो गया काम। इस पर करना क्या था? कूदना था ना, जंप करना है इस पर, टू ब्रेक योर फॉल। ठीक है भाई, कर देंगे। यहीं पे जंप कर दूँ क्या? ना ऐसे काम नहीं बनेगा, ऊपर से कूदना पड़ेगा। यहाँ कूदूँगा इस पे ऊपर से, ये नहीं पता चप्पल जूते उतार के कूदना कि कैसे। चलो कोई नहीं, बिना चप्पल के कूदना है क्या अभी? अरे कैसे कूदना है यार, लास्ट कोशिश है बस, पैर नहीं ठुकवानी इस बार। चलो नहीं हुआ कुछ भी भाई, क्या बेकार है, ऐसे टास्क नहीं होने क्या? कोई बात नहीं भाई, हमारा काम हो गया। अरे यार फिर स्किन बदल गई, RL क्राफ्ट में इसी ने मरवाया है मेरे को। कोई नहीं भाई, वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आज के लिए बस इतना ही, मिल लेंगे एपिसोड में।